स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे दिया हुआ है दिवाली, ठीक है। तो दीपावली को हम लोग क्या बोलते हैं, दिवाली बोलते हैं और दीपावली भी बोलते हैं, ठीक है। तो दीपावली पे हम लोग क्या लिखेंगे, आज 10 लाइन लिखेंगे जो कि हिंदी में होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दिवाली 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 भारत का सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय मतलब सबसे प्रसिद्ध यही त्यौहार है दीपावली, ठीक है। लोकप्रिय त्यौहार है। दूसरा पॉइंट, यह त्यौहार हर साल अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, दिवाली को दीपावली भी कहते हैं। दीपावली के दिन, चौथा पॉइंट, दिवाली के दिन भगवान श्री राम चौदह वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे देखिए स्टूडेंट की मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हिंदी की राइटिंग लिखें तो धीरे धीरे जब आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग और अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं पांचवें पॉइंट पे। यह त्यौहार या लिख सकते हैं दीपावली या दिवाली दीपों का त्यौहार है। दीपों मतलब होता है दिया, दीपों मतलब दिया होता है, ठीक है। दीपों का त्यौहार है। छठा पॉइंट, यह त्यौहार धनतेरस, ये धनतेरस से शुरू होता है, ठीक है, दीपावली के एक दो दिन पहले होता है, ठीक है। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, ठीक है, इस तरीके से धनतेरस से लेकर के भाई दूज, तक
5 दिन चलता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सातवें पॉइंट पे। मतलब ये जो त्यौहार है ये 5 दिन तक चलता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पटाखे जलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, सब कुछ चीज़ें आपको पता है। उसके बाद हम लोग सातवां पॉइंट पे आ जाते हैं, दिवाली। पर हर घर दियों से सजाया जाता है, दीपावली पर। ठीक है, इसको दीपावली भी कहते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस पर्व पर घर घर में स्वादिष्ट मिठाई या स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनवाई जाती हैं या खरीद के लाई जाती हैं। ठीक है, और घर पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं। बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा हो आप सभी को। अगर अभी तक आपको आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आ रही तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं 9 पे, दिवाली पर बच्चे पटाखों की आतिशबाजी करते हैं या आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं या आनंद लेते हैं। आप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो कि बच्चे इस दिन दीपावली पे क्या करते हैं, खूब ढेर सारे पटाखे फोड़ते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। अब ये अंतिम पॉइंट जो कि 10वां पॉइंट है, दिवाली का त्यौहार हम सब के लिए खुशियां बहुत ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारी खुशियाँ देता है। ठीक है, आप सभी को ये 10 पॉइंट अच्छा लगा होगा तो बताइएगा जरूर, और ये हमारा क्या होगा, सारी मतलब बड़ा वाला मात्रा होगा। ठीक है, तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए, शुभ दीपावली या दिवाली। थैंक यू सो मच। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और आपके सामने मैंने दिवाली का क्या लिखा, 10 लाइन जो कि हिंदी में है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।